शुरुआत करते हैं एक्सरसाइज 5.2। इसमें हम लोग तीन फार्मूला का यूज करेंगे। पहला है SN, n पदों का योगफल, जिसका प्रथम पद A सार्वांतर R है, तो योगफल होता है A ब्रैकेट में R पावर n माइनस 1 बटे में R माइनस 1। ये कब होगा? जब R इज ग्रेटर देन 1, यानी R का मान 1 से बड़ा हो। यहां देखिए नीचे धनात्मक आना चाहिए, तो धनात्मक कब आएगा? जब R 1 से बड़ा होगा, उसमें से एक घटाएंगे तो धनात्मक आएगा। ठीक है, यहां पर क्या है दूसरा, अगर ये मान लीजिए कि R 1 से छोटा है तो कैसे धनात्मक आएगा? तो उस स्थिति में एक से भी घटाना पड़ेगा ना, एक में से घटाएंगे तब धनात्मक आएगा। तो दूसरी स्थिति में योगफल होता है SN बराबर A 1 माइनस R टू द पावर n बटे में 1 माइनस R, कब? जब R इज लेस देन 1। और अनंत पदों का योगफल, गुणत्व श्रेणी के अनंत पदों का योगफल A बटे 1 माइनस R होता है। तो इसी पर सवाल लगाना है आपको, तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो ये सवाल है 2 2 स्क्वायर 2 क्यूब n पदों तक योगफल ज्ञात करना है। तो यहां पर प्रथम पद a बराबर 2, r बराबर क्या होगा, इसमें इसका भाग देंगे 2 स्क्वायर बाई 2, यानी कि 4 में 2 का डिवाइड 2 आ गया। अब 2 1 से बड़ा है ना, r इज ग्रेटर देन 1, यानी कि ये फार्मूला लगेगा। तो SN बराबर a r टू द पावर n माइनस 1 बटे में r माइनस 1। ठीक, किस फॉर्मूले के लिए? r इज ग्रेटर देन 1 के लिए है। तो मान रख दें a का मान 2, r का मान भी 2 पावर n माइनस 1 बटे में 2 माइनस 1, 1 हो गया। 2 का गुणा कर दें 2 पावर n प्लस 1 माइनस 2, या यहां पर भी छोड़, या तो ऐसे भी छोड़ देंगे ना, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, छोड़िए ऐसे करते हैं। 2 ब्रैकेट में 2 पावर n माइनस 1, ये इसका 2 3 4 क्वेश्चन नंबर 1 की तरह है, तो आप लोग कर लीजिए डू एज क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है x2x² + 2x² + 4x³ + 8x⁴ + n पदों तक जोड़ना है। तो इसमें a क्या होगा, x, r, 2x² में x का भाग कर देंगे तो 2x, पदों की संख्या n है, 2x है, अब 2x को हम मान लेंगे कि ये r is greater than 1, SN बराबर a r पावर n माइनस 1 बटे में r माइनस 1, a का मान x, r का मान 2x, पावर n माइनस 1 बटे में 2x माइनस 1। तो और तो कुछ कर नहीं सकते इसमें, अब बस छोड़ देते हैं, बस यही आंसर हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 6, डू योर सेल्फ, अपने से कर लीजिए, कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है।
अपने क्वेश्चन नंबर सिक्स कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर सिक्स को कर देते हैं। छठवां हम बताना चाह रहे हैं, इसको बता देते हैं। इसको गुणा कर दीजिए, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ए स्क्वायर का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर प्लस ए पावर सिक्स होगा ना, तो ए स्क्वायर का क्यूब प्लस ए बी का होल क्यूब प्लस एन पदों तक, ठीक है। अब इसको दो पार्ट में कर लें, इसको 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 ए वाले को एक साथ ले लें, तो ये मिलेगा हमको ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का क्यूब प्लस एन पदों तक और प्लस प्लस ए बी प्लस ए बी होल स्क्वायर प्लस ए बी होल क्यूब प्लस एन पदों तक। तो अब ये प्रथम पद हो जाएगा, सर्वांतर भी ए स्क्वायर प्रथम पद और ए स्क्वायर सर्वांतर भी, इसमें ए भी प्रथम पद और ए भी सर्वांतर भी है, और दोनों को हम ग्रेटर देन वन मानेंगे, ग्रेटर देन वन मानेंगे क्योंकि कोई कंडीशन दिया नहीं है। तो चलिए ए स्क्वायर प्रथम पद होता है, आर भी ए स्क्वायर है, पावर एन माइनस वन बटे में ए स्क्वायर माइनस वन गुड़े सॉरी प्लस प्लस यहां पर ए भी प्रथम पद, सर्वांतर भी ए भी है, तो ए भी पावर एन माइनस वन बटे में आर का मतलब ए भी माइनस वन, ठीक है। इतना हो गया। अब इसमें कुछ कामन अमन कुछ नहीं होना है, चलिए इसको हम एक लाइन और बढ़ा देते हैं। ए स्क्वायर ए पावर टू एन माइनस वन बटे में ए स्क्वायर माइनस वन प्लस ए बी ए पावर एन बी पावर एन माइनस वन बटे में ए बी माइनस वन, आंसर। देखिए क्वेश्चन नंबर सेवन, टू फोर बाय थ्री एट बाय नाइन अनंत पदों तक का योगफल निकालना है, तो अनंत पदों तक का योगफल के लिए हमको ए चाहिए आर चाहिए, ए दो आर का मतलब चार बटा तीन बटे दो, इसमें दो का भाग करते हैं तो ये इधर आ जाएगा, तो हो जाएगा चार बटा छ या दो बटा तीन, दो बटा तीन का आर जो है दो बटा तीन हो गया, तो एस इंफिनिटिव बराबर होता है ए बटे वन माइनस आर, तो ए दो बटे में वन माइनस दो बटा तीन, तो ये हो जाएगा तीन कम तीन माइनस दो यानी एक बटा तीन, तो दो बटे एक बटा तीन, तीन ऊपर जाएगा तीन दो के छह सिक्स हो गया। क्वेश्चन नंबर एट जो है क्वेश्चन नंबर सेवन की तरह है, तो उसको आप लोग कर लीजिए, डू एट क्वेश्चन नंबर सेवन, क्वेश्चन नंबर नाइन, क्वेश्चन नंबर नाइन है 9.6 प्लस 7.2 प्लस 5.4 प्लस 5.4। हाँ, तो इसमें अनंत पदों का योगफल निकालना है, तो a बराबर 9.6
आर बराबर इसमें इसका भाग देंगे तो 7.2/9.6 24 के बाद तो 24 चौका 96 कितना हो जाएगा 3/4। एस इंफिनिटी बराबर ए बटे 1 - r से 9.6/1 - 3/4 4 × 4 - 1/4 फिर 4 का गुणा हो जाएगा ऊपर 9.6 × 4 4 × 6 = 24 4 × 9 = 36 2 = 38। क्वेश्चन नंबर 10 को आप लोग अपने से कीजिए, डू योर सेल्फ। क्वेश्चन नंबर 11 है जोड़ना है √3 + 1/√3 + 1/3√3 + ये कुछ नहीं दिया है तो इसका मतलब कि अनंत पद तक है। अगर कुछ न दिया हो तो इसका मतलब कि इनफाइनाइट सीरीज है, अनंत पदों तक जोड़ना है। तो a बराबर √3, r बराबर इसमें इसका भाग देंगे तो 1/√3 / √3 तो ये हो जाएगा 1/3। एस इंफिनिटी बराबर ए बाय 1 - r से एक का मतलब हो गया √3/1 - 1/3 3 × 3 - 1 = 2 तो ये ऊपर हो जाएगा 3√3 और बटे में हो जाएगा 2। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है, इस तरह का है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये परीक्षा में आता रहता है। तो इसको क्या करना, थोड़ा सा परिवर्तन करते हैं इस तरह से। इसी 0.9 है ना, तो इसको हम ऐसे करते हैं 1 या ऐसे करें 1 - 1/10 एक में 0.9 घटा देंगे, 0.1 घटा देंगे, एक में से 0.1 घटा देंगे तो 0.9 + 1 - 1/100 + 1 - 1/n पदों। तो ये क्या करते हैं, 1 1 1 को एक साथ ले लें, 1 + 1 + ये n पदों तक प्लस सॉरी माइनस माइनस का लेंगे, माइनस का लेंगे तो सब अंदर प्लस हो जाएगा। तो 1/10 + 1/10² + 1/10³ और n पदों तक। तो ये तो n टाइम्स है ना, एक एक जो है n बार जुड़े हैं तो ये n हो जाएगा। माइनस इसमें प्रथम पद 1/10, सार्वांतर भी सार्वानुपात r भी 1/10 ही है और पदों की संख्या n है। 1/10 r का मान 1/10 है, इसका मतलब कि r जो है एक से छोटा है, r जो है एक से छोटा, तो ये वाला फॉर्मूला हम लगाएंगे। तो उसमें प्रथम पद 1/10 1 - 1/10 power n बटे में 1 - 1/10 तो ये हो जाएगा 9/10 10 10 कट जाएगा, n माइनस 10 ऊपर 9 नीचे हो जाएगा 10/9 और 1 - 1/10 power n -9n - अच्छा यहां देखिए मिस्टेक हुआ, ये 1/9 होगा ना, 10 * 10
और माइनस वन नौ, नौ बटे दस, दस दस कट जाएगा तो एक बटा नौ ना, एक बटा नौ। तो बस छोड़ देंगे यहीं पर आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 है कि किसी गुणोत्तर श्रेणी का दूसरा पद माइनस वन बाई टू, पांचवा पद वन बाई सिक्सटीन, तो श्रेणी की श्रेणी का योगफल आठ पदों तक ज्ञात कीजिए। देखिए योगफल ज्ञात करना है तो हमको क्या क्या चाहिए, ए चाहिए, आर चाहिए, एन चाहिए। आठ पदों तक दिया है तो इसका मतलब एन दे दिया। हमको चाहिए ए और आर। ए और आर के लिए हमको दो कंडीशन दिया हुआ है, दूसरा पद और पांचवा पद। तो दूसरा पद क्या होगा, ए आर। ए आर बराबर दिया है माइनस एक बटा दो, समीकरण नंबर एक। और फिर पांचवा पद, पांचवा पद का मतलब ए आर पावर फोर बराबर वन बाई सिक्सटीन, समीकरण नंबर दो। भाग कर दे इसमें, भाग करेंगे ना, तो देखिए ए आर पावर फोर बटे में ए आर बराबर वन बाई सिक्सटीन माइनस वन बाई टू, तो ये हो जाएगा माइनस वन बाई एट। इधर हो जाएगा आर पावर थ्री माइनस वन बाई एट, दिस इंप्लाइज आर बराबर माइनस वन बाई टू। अब आर का मान रख दे इसमें, आर का मान समीकरण एक में रखने पर, तो ए गुणे माइनस वन बाई टू माइनस वन बाई टू, दिस इंप्लाइज वन। तो ये तो निकल गया। अब योगफल आर का मान देखिए क्या है, आर का मान एक बटा दो, माइनस एक बटा दो तो एक से छोटा है, एक से छोटा है तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, एस एन बराबर ए वन माइनस आर पावर एन बटे में वन माइनस आर। तो ए का मान वन, वन माइनस आर का मान माइनस वन बाई टू पावर एन, बटे में वन माइनस वन बाई टू करेंगे तो प्लस हो जाएगा। तो देखिए ये तो तीन बटा दो हो जाएगा, तो ऊपर करेंगे तो दो बटा तीन, और यहां पर कुछ नहीं हो रहा है। अच्छा इसमें पदों की संख्या दिया हुआ है, पदों की संख्या आठ पदों का योगफल ज्ञात करना है ना, तो एस एट करना पड़ेगा। तो एन की जगह एट रख देंगे, एन की जगह एट रख देंगे, तो एस एस एट बराबर दो बटा तीन वन माइनस माइनस ए बटा दो पावर एट। अब ये तो प्लस हो जाएगा, पावर एट है तो कितना हो जाएगा, दो दो छप्पन, दो सौ छप्पन, तो ये हो जाएगा दो बटा तीन वन माइनस वन बाई टू फिफ्टी सिक्स, ये दो सौ पचपन हो जाएगा, ऊपर बराबर हो गया दो बटा तीन गुणे दो सौ पचपन बटे दो सौ छप्पन एक सौ अट्ठाईस, तीन बटे चौबीस ये कटेगा, तीन बटे चौबीस तीन बजे पंद्रह यानी पचासी बटा एक सौ अट्ठाईस इतने आएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, दो बटे नौ माइनस एक बटा तीन एक बटा दो के कितने पदों का योगफल पचपन बटे बहत्तर है। माना कि n पदों का योगफल 55 बटे बहत्तर है, तो यानी कि एस एन बराबर 55 बटे बहत्तर। n नहीं पता है, क्वेश्चन मार्क। a पता है दो बटे नौ, आर निकल जाएगा माइनस एक बटा तीन बटे में दो बटा नौ, तीन ऊपर तो माइनस तीन बटा दो, आर निकल गया। तो आर का मान एक से छोटा है, तो एस एन बराबर ए वन माइनस आर टू द पावर एन
बटे में 1 माइनस आर, एस एन है 55 बटा 72 बराबर ए 2/9 1 माइनस आर माइनस 3/2 पावर एन, बटे में 1 माइनस तो प्लस हो जाएगा 3/2, तो ये तो हो जाएगा 5/2 तो 2/9 5/2 तो ये हो जाएगा 2×2 बटे में 9×5 और 1 माइनस माइनस 3/2 पावर n, तो कट तो नहीं रहा है 4/45। तो ऐसा करें ना, 9×5 ऊपर कर दे 55 के साथ और 2×2 यानी कि 4 जो है 72 के साथ कर दे, तो ये हो गया ऐसे 55×45 बटे में 72×4 बराबर 1 माइनस माइनस 3/2 पावर n, तो कटेगा क्या 9×72 9×5 45, अब तो कटेगा नहीं क्योंकि 5×25 5×25 2 27 बटे में 32 27 अच्छा इतना हो गया ना 1 माइनस माइनस 3/2 पावर एन, इसको इधर लाने इसको इधर लाने, दिस इंप्लाइज माइनस 3/2 पावर एन बराबर 1 माइनस 275/32 घटा देंगे इसमें से तो माइनस में आएगा आंसर, यानी 75 में से 32 घटाएंगे तो 43 243/32 माइनस में, यानी कि हमको मिलेगा माइनस 3/2 पावर एन बराबर माइनस 3/2 पावर 5, तुलना कर देंगे तो एन बराबर 5, दिस इंप्लाइज एन बराबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 जो है क्वेश्चन नंबर 11 की तरह है, तो उसको आप लोग क्वेश्चन नंबर 11 की तरह कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 16, एक अनंत गुणोत्तर श्रेणी के पहले चार पदों का योगफल 15/32 और अनंत पदों का योग 1/2 है, तो श्रेणी ज्ञात करो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहले चार पदों का योगफल ए ए आर ए आर स्क्वायर ए आर क्यू, इनका योगफल क्या होगा S4 बराबर ए, अनंत पदों का योगफल भी दिया है ना, बस उसी से पता चल रहा है कि R का मान R इज लेस देन 1 होगा, क्योंकि अनंत पदों का योगफल हमेशा हमेशा लेस देन 1 के लिए ही होगा, अगर R इज लेस देन 1 नहीं है तो अनंत पदों का योगफल हम नहीं निकाल पाएंगे, तो अनंत पदों का योगफल भी इसी सीरीज में पूछा है, तो इसका मतलब कि R इज लेस देन 1 है, तो फॉर्मूला हमारा हो जाएगा 1 माइनस आर टू द पावर एन बटे में 1 माइनस आर, यही हो जाएगा, तो लेकिन चार पदों तक है ना, तो एन बराबर आर एन का मान जो है हम 4 रख देंगे, ए 1 माइनस आर पावर 4 बटे में 1 माइनस आर, तो रहने देते हैं, अच्छा रहने देते हैं, फिर क्या कर रहे हैं, अनंत पदों का योग 1/2 है, एस इंफिनिटी बराबर ए बटे 1 माइनस आर होगा ना, तो ये कह रहा है कि ये 1/2 है, तो दिस इंप्लाइज ए बराबर 1 माइनस आर 1/2, इसका इसमें मान लेते हैं 1 एंड 2 से, एक और 2 से,
अच्छा इसका मान क्या है, इसका मान दिया हुआ है ना, इसका मान 15/32 है। तो मान लेते हैं ए का मान, तो 1 - r/2 और गुड़े 1 - r/4/1 - r बराबर बराबर 15/32 ये कट गया, तो ये उधर 2 काट देंगे, तो 1 - r/4/15/16 इसको इधर इसको जाना है, तो 1 - 15/16 = r/4 ये हो जाएगा 1/16। दिस इम्प्लाइज r/4 = 1/16, दिस इम्प्लाइज r = 1/2, r का मान 1/2 आ गया, क्वेश्चन बड़ा हो गया। अब फार्मूला में मिटा रहा हूँ, इस फार्मूले को मिटा रहा हूँ। तो r का मान इसमें रखें, इसमें रखें, तो a बराबर 1 - r = 1/2 / 2, 2 = 2 यानी कि 1/4। तो क्या करना है, क्या क्या करना है, श्रेणी ज्ञात करो। तो श्रेणी श्रेणी बराबर a r square अप टू इंफिनिटी यानी 1/4 ए आर 1/4 × 1/2 का स्क्वायर यानी 1/4 इस तरह से होगा, तो 1/4 1/8 1/16 ठीक, ये हो जाएगा श्रेणी। क्वेश्चन नंबर 17, उस गुणोत्तर श्रेणी को ज्ञात करो जिसका प्रथम पद 27, प्रथम पद दिया हुआ है a बराबर 27 तथा अनंत पदों का योगफल 81 है, s इंफिनिटी बराबर 81। तो क्या ज्ञात करना है, श्रेणी ज्ञात करना है। श्रेणी का मतलब कि हमको a और r चाहिए, a तो दिया हुआ है, r निकालना है। r का मतलब हम इसमें रख दें, s इंफिनिटी होता क्या, देखिए a बाई 1 - r होता है, ये दिया हुआ है 81, a दिया हुआ है 27, 1 - r यहां से निकल जाएगा r, क्योंकि बस r ही अननोन है इसमें। तो क्या हो जाएगा, देखिए 1 - r = 27/81 1/3, तो 1 - r = 1/3 इधर 1 - 1/3 = r, तो 2/3 r = 2/3 हो गया, r निकल गया, ये निकल गया, ये दिया ही है, तो श्रेणी श्रेणी बराबर a r square a r cube अप टू इंफिनिटी अनंत पदों तक है। तो a का मतलब 27, ar 27 × 2/3 27 × 4/9 हो जाएगा, 27 × 2 = 8 8/27 इसी तरह से ऐसे होगा। तो ये कट गया, ये हो गया 27 18 12 8 ये।
क्वेश्चन नंबर 18 है, एक गुरुत्व श्रेणी का पहला पद ए, दूसरा पद बी, एन पदों का योगफल। ए देखिए स्मॉल ए उसमें दिया हुआ है, तो हम पहला पद ए बराबर इस तरह से मानेंगे और दूसरा पद ए आर बराबर बी दिया हुआ है, तो एन पदों का योगफल ज्ञात करना है। एन पदों का योगफल, ये इसको मिटा दो, यहां से अगर हम भाग कर दें इसमें तो हमको R निकल जाएगा। A और R अगर पता हो गया तो हम N पदों का योगफल निकाल सकते हैं। तो यहां क्या हो जाएगा, ए आर बटे ए बराबर B बटे ए आर का मान B और A का मान A, ये कट गया, यानी R बराबर हो गया B बटे A और A प्रथम पद जो है A दिया हुआ है, तो S A, S N R को हम मान लेते हैं लेस देन वन। अब R लेस देन वन है कि ग्रेटर देन वन है, अच्छा S इंफिनिटी यहां पर हम ऐसे कर दें, यदि A को हम बड़ा मान लें B को छोटा तो ये हो जाएगा, यदि a इज ग्रेटर देन b तो हमारा एस एन का फॉर्मूला जो होगा वो होगा a वन माइनस r पावर n बटे में वन माइनस r, a का मान स्मॉल a, वन माइनस r का मान b बटे a पावर n बटे में वन माइनस बी बटे ए, तो ए वन माइनस बी बटे ए पावर एन बटे में वन माइनस बी बटे ए। कुछ तो होगा इसमें, तो छोड़ देते हैं आंसर। अच्छा इसको थोड़ा सा आगे तक हल किया है तो मैं भी बढ़ा दे रहा हूं, लघुत्तम ले लेंगे तो ए देखिए ये बी पावरियन बटे में ए पावरियन होगा, तो लघुत्तम लेंगे तो हमको मिलेगा ए पावरियन माइनस बी पावरियन बटे में ए पावरियन, ये तो ऊपर हो गया, बटे में ए माइनस बी बटे में ए, ए माइनस बी बटे में ए, ये हो जाएगा ठीक है। तो ये देखिए ऊपर जाएगा तो हो जाएगा ए स्क्वायर अंदर ए पावर एन माइनस बी पावर एन बटे में ए पावर एन ए माइनस बी, ये नीचे ला दें तो क्या हो जाएगा, ऊपर ऊपर a पावर n माइनस b पावर n बटे में, ये देखिए घात घटेगा ना समान आधार है तो a पावर n माइनस 2 हो जाएगा और ब्रैकेट में a माइनस b हो जाएगा, बस।